जय हिंद दोस्तों, आप सभी का प्रवेश सर आपके सामने फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर है। और क्वेश्चन तो वही है कोडिंग एंड डिकोडिंग की। यहाँ पर दिया हुआ है रोड यानी कि R O A और D। हम लोग प्रैक्टिस के टाइम पे ज़्यादा समय देते हैं, इसीलिए R की वैल्यू क्या लिखेंगे 18, O की वैल्यू 15, A की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 4। ओके, इसके बाद यहाँ दे रखा है मुझे यू आर डी और जी दिया हुआ है, यानी कि ये 21, ये 18, ये 4 और ये 7। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, एस डब्लू ए एन, ये लिखा एस की वैल्यू 19, डब्लू की वैल्यू 23, ए की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू कितनी मेरे पास में 14। ये हम लोगों ने क्या किया, इनके अल्फाबेट की वैल्यूज लिख ली। ना तो आपको कोई एजोटी याद करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई आपको शॉर्टकट लगाने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है, जब आपको अल्फाबेट की वैल्यू याद आ जाएगी तो एग्जाम में आपके आंसर्स 90% जल्दी जल्दी होने लगेंगे। इसलिए जब भी क्वेश्चन करें आप अल्फाबेट की ना वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए 18 में अगर मैं मान लिया 18 में अगर मैं 3 प्लस करूँ तो 21 होगा, 15 में 3 प्लस करूँ तो कितना होगा मेरा 18 होगा, 1 में 3 प्लस करूँ तो मेरा 4 होगा और 4 में 3 प्लस करूँ तो मेरा 7 होगा। यानी कि एग्जामिनर जो है एवरी टाइम 3 प्लस कर रहा है। तो 90 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 22, और 22 पे मेरा कहीं ना कहीं V हो जाएगा, ये 23, 23 में मैं 3 प्लस करूँगा तो 26, 26 मतलब Z हो जाएगा। A में मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या 4, 4 पे मेरा क्या हो जाएगा D, यहाँ पर मैं 3 जोड़ा तो 17, ये आ जाएगा Q, यानी कि V Z D और Q, V Z D and Q, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। और मिलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।